वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए लगातार रिवीजन सीरीज चल रही है। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर प्लेलिस्ट बना दी गई है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर लगातार क्विज लगवाए जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही और टॉपिक वाइज क्विज लगवाए जा रहे हैं। हर एक टॉपिक के डेली आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप प्रैक्टिस के लिए उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको एग्जाम रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जो है सारी कुछ मिल जाती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको मिल जाते हैं तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा रिविज़न के इसी क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 1947 से 1991 तक का भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास देख रहे थे और इसमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं का टॉपिक कवर किया था। इसके बाद हरित क्रांति देखी और दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड भी देखा, तो यहाँ तक हमने कवर किया था। इसके आगे का आज नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले 1949 से स्टार्ट हुआ। बैंक क्या थे, बैंक जो थे उनकी जो सुविधाएं थी वो हर एक तबके के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो हर एक व्यक्ति तक बैंकों की सुविधाएं पहुंचे, बैंक के जो फैसिलिटी है वो सब तक पहुंच पाए, तो इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और केंद्र ने इसकी भागदौड़ अपने हाथों में ली और 1949 से बैंकों का राष्ट्रीयकरण स्टार्ट किया। चूँकि देश का विकास करना था और देश के विकास के लिए ज़रूरी था कि हर एक वर्ग का विकास हो सके तो सुविधाओं का सब तक पहुंचना आवश्यक था, इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1949 में सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। तो 1949 में RBI का भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके बाद 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और बाद में यही बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI, इसका नाम SBI हो गया। तो 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसको वर्तमान में SBI के नाम से जाना जाता है और यह सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है अभी और डोमेस्टिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जानते हैं। तो घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक भी है और देश का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। इसके बाद 1969 में 14 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो बैंकिंग राष्ट्रीय अधिनियम 1969 की मदद से कुल 20 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनमें से 1969 में 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके अलावा 1980 में बाकी के 6 बैंकों का और किया गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद 1955 में 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का हुआ जो कि SBI बन गया। इसके बाद 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और फिर इसके बाद 1980 में हुआ राष्ट्रीयकरण बाकी के 6 बैंकों का। 1969 में एक अधिनियम आया, बैंक के राष्ट्रीयकरण अधिनियम, तो उसके तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 14 जुलाई 1969 को। 50 करोड़ की संपत्ति थी और 50 करोड़ से ज़्यादा की ही संपत्ति थी, ज़्यादा पूंजी रखने वाले ये बैंक थे, निजी बैंक, और उस समय की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी और उनके समय ही ये राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद 15 अप्रैल 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 200 करोड़ की पूंजी वाले 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो 1980 में बाकी के 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। जिस अध्यादेश के जरिए इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वह था बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, वह बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस कहलाया। बाद में इसी नाम से विधेयक भी पारित हुआ। इसके बाद 1955 में SBI एक्ट को लागू करने के साथ भारत सरकार ने 3 शाही बैंकों को आंशिक तौर पर राष्ट्रीयकृत कर दिया
और उनका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कहानी बताई गई है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जब राष्ट्रीयकरण हुआ 1955 में, जो कि बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, तो उसमें 3 शाही बैंक सम्मिलित थे। इसके साथ ही भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एक सामने आया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का मुख्य कारण बड़े व्यावसायिक बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली क्लास बैंकिंग नीति थी। राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों की खराब स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। इसके बाद अगला तथ्य है, भारत का बैंकिंग क्षेत्र स्वतंत्रता के पश्चात प्रमुख रूप से निजी हाथों में था। वर्ष 1947 से 1955 के बीच छोटे छोटे 300 से भी ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे। साथ ही इन बैंकों में जमा लोगों की पूंजी भी डूब चुकी थी। तो यही सब कारण थे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा, क्योंकि जो निजी बैंक थे उनके हाथों में संपत्ति थी और फिर वो प्रारंभ हुए और बंद भी हो गए, तो जो लोग थे, जो आम नागरिक थे, उनकी पूंजी डूब चुकी थी। तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था और इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा था, इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके आगे सरकार ने समय समय पर फिर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ साथ इन्हीं उद्देश्यों के चलते कुछ बैंकों का विलय भी किया। बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए बैंकों की विलय की सिफारिश नरसिम्हा समिति ने तथा पीजे नायर समिति के द्वारा की गई थी। तो जो बैंकों का विलय सामने आता है अभी देखते हैं, वो नरसिम्हा समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है और पीजे नायर समिति ने इसकी सिफारिश की थी। इसके बाद आगे देखेंगे, अगला तथ्य है, भारतीय बैंकिंग संघ के अनुसार 1986 से अब तक 50 बैंकों का विलय हो चुका है। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय अतीत का पहला बड़ा जो विलय था वो माना जाता है। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस में हुआ था? पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था। कुछ समय बाद 2017 में भारतीय महिला बैंक एवं 5 अन्य बैंकों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। इस विलय के पश्चात SBI के 50 बड़े बैंकों की सूची में शामिल हो गया। इसके अतिरिक्त 2019 में विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया था। तो विजया बैंक और देना बैंक ये दोनों मिल गए किस में? बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसके बाद उदारीकरण के पश्चात निजी क्षेत्र को भी बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दे दी गई। 1994 में इस तरह का पहला बैंक ICICI बैंक सामने आया, जिसे उदारीकरण के पश्चात बैंक के लिए लाइसेंस दिया गया था। भारत में राष्ट्रीयकरण के दो चरण ये प्रमुख कौन से थे? 1969 और 1980 वाला, जब 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये दो प्रमुख चरण थे और इसके बाद भारत के लगभग 80% बैंकिंग क्षेत्र सरकारी स्वामित्व के अंतर्गत आ चुका था। आर्थिक सुधारों की दिशा में भारत के बढ़ने के बाद सरकार ने वित्त वर्ष 1992-93 में बैंकिंग सिस्टम में समग्र सुधार शुरू किए। इसी से जुड़े 3 कदम हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर में विस्तार के तौर पर सामने आते हैं, जिनसे बैंकिंग सेक्टर के विस्तार को दिशा मिली। पहला सुधार क्या था? 1993 में SBI संशोधन अधिनियम के जरिए SBI को पूंजी बाजार में उतारने की इजाज़त मिल गई। तो 1993 का जो ये अधिनियम था, SBI संशोधन अधिनियम, उसके तहत अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी पूंजी बाजार में उतार सकता था, यानी कि अपनी जो संपत्ति उसमें शेयर दे सकता था। तो SBI ने 33% तक अपने शेयर बेच सकता था इस नियम के बाद। 10 अक्टूबर 2007 को सरकार ने SBI में अपने शेयर को 53% तक करने का प्रस्ताव का ऐलान कर दिया, और जिसके बाद बैंक पूंजीकरण के लिए जा सके। तो बैंकों में और पूंजी आ सके, इसके लिए बैंकों ने अपने शेयर बेच दिए। इसके बाद 1994 में सरकार ने राष्ट्रीयकरण बैंकों को भी बैंकिंग कंपनी संशोधन अधिनियम 1994 के जरिए 33% तक शेयर बेचकर पूंजी बाजार में उतारने की इजाज़त दे दी। तो 1993 में ये SBI के लिए नियम आया और उसके बाद ये इजाज़त और राष्ट्रीयकरण बैंकों को भी मिल गई। जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक थे, अब वह 1994 के बाद से अपनी 33% तक के शेयर बेचकर पूंजी बाजार में उतार सकते थे। तो ये कदम जो कि बैंकिंग क्षेत्र में विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में देखते हैं। RRB जिनको जानते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से, इनकी स्थापना 1975 में हुई। 2 अक्टूबर 1975 को स्थापना की गई, तब ये संख्या में 5 थे, इनकी 5 संख्या थी, और इनका उद्देश्य था कि बैंकिंग सेवा को ग्रामीण जनता तक पहुंचाया जा सके, यानी कि जो गांव-गांव तक घर हैं उनमें भी बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें, उसी उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। दूर दराज तक के जो इलाके हैं वहाँ तक बैंकों की कोई सुविधाएँ नहीं थी उस समय, इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई 2 अक्टूबर 1975 को। लेकिन
इसके बाद 1987 में केलकर समिति आई और उसकी सिफारिश पर नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना होना बंद हो गई। तो ये 1975 से 1987 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। 1987 के बाद से कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं की गई और तब तक इनकी संख्या 196 थी। तो हमने बैंकों से जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण है और उनके सुधार है उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य देखे। आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।